नमस्कार, स्वागत है आपका माई ज्योतिष में। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। शिवरात्रि का व्रत वैसे तो प्रत्येक माह रखा जाता है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ने वाली शिवरात्रि को विशेष महत्व है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मध्यरात्रि में भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी दिन भगवान शिव का देवी पार्वती से विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि को सृष्टि के आरंभ का दिन भी माना जाता है। मान्यता है कि महादेव के विशालकाय स्वरूप अग्नि लिंग के उदय से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। श्रद्धालु इस दिन देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए व्रत व पूजन करते हैं। माना जाता है कि शिव पूजन करने से आपके सभी कष्ट और रोग दूर होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिव भक्तों के लिए यह पर्व बेहद खास होता है। महाशिवरात्रि के पर्व को भारत समेत पूरे विश्व में शिव भक्त बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस वर्ष की महाशिवरात्रि पर कई शुभ और अशुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस साल की महाशिवरात्रि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या के दिन 24 जनवरी को शनि ने अपने स्वराशि मकर में प्रवेश किया, जहां वे 2.5 वर्ष तक रहेंगे। 21 फरवरी को यानी महाशिवरात्रि पर शनि के साथ चंद्र भी रहेगा। इस तरह शनि चंद्र की युति से महाशिवरात्रि पर विष योग बन रहा है। इससे पहले महाशिवरात्रि पर विष योग 28 साल पहले 1992 में बना था। विष योग आपके जीवन को बेहद कष्टदायी बना सकता है। इसका समय पर समाधान किया जाना जरूरी है, वरना इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद।